ओम शांति। आज 2 अक्टूबर 2022 को हम अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 3 अक्टूबर 1992 को सुनाए थे, जिसमें आज भाग्य विधाता बाप अपने बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य को देख रहे हैं। बाबा कहे कितना श्रेष्ठ भाग्य है जो सारे कल्प में और किसी का इतना श्रेष्ठ भाग्य नहीं होता, क्योंकि ब्राह्मण जन्म ही भाग्य विधाता बाप द्वारा हुआ है। आदि पिता और अनादि पिता दोनों ने ब्राह्मण बच्चों को श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी बनाया है। तो बाबा कहे अपने स्मृति स्वरूप में इस भाग्य को सदा अनुभव करते रहो। साथ ही साथ बाबा कहे कितने रूप से भाग्य मिला है। पहला भाग्य जन्म ही भाग्य विधाता बाप द्वारा हुआ। दूसरा बाबा कहे इस संसार में कोई भी धर्म आत्मा महान आत्मा को ये भाग्य नहीं है कि स्वयं भगवान बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। बाप के रूप में श्रेष्ठ पालना का भाग्य है और वर्षे के अधिकारी है। दूसरा बाबा कहे परम शिक्षक के रूप में श्रेष्ठ पढ़ाई और पद का भाग्य प्राप्त है और सतगुरु के रूप में श्रेष्ठ वरदान और सर्व प्राप्तियों का भाग्य अनुभव करते हैं। बाबा कहे बाप के रूप में बाबा ने आकर के बच्चों को सर्व खजाने वर्षे के रूप में अधिकारी बना करके दिया है, और इतनी श्रेष्ठ पालना के अधिकारी हो, परमात्मा पालना कैसे होती है? बाबा कहे श्रीमत ही पालना है, और ये परमात्मा श्रीमत हर कदम के लिए हमें प्राप्त हुई है। इसीलिए वर्तमान में भी सर्व खजानों को अनुभव करते हैं और जन्म जन्मांतर के लिए ये खजाना वर्षे के रूप में अनुभव करेंगे। बाबा कहे दुनिया के अंदर कोई भी बाप अपने बच्चों को एक जन्म के लिए वर्षा दे सकते हैं, लेकिन जन्म जन्मांतर के लिए नहीं। ठीक इसी तरह परमात्मा परम शिक्षक भी है, तो परम शिक्षक के रूप में श्रेष्ठ पढ़ाई का भाग्य अनुभव कराते हैं। बाबा कहे इतनी ऊंची पढ़ाई है और इस पढ़ाई के द्वारा पद भी कितना ऊंचा है। इस दुनिया में ऐसा ऊंचा पद किसी को नहीं है। इस दुनिया में श्रेष्ठ पद अगर राज्य पद है तो उस राज्य पद से भी ये राज्य पद जो भविष्य में प्राप्त करते हो वो कितना श्रेष्ठ और ऊंचा है। साथ ही साथ बाबा कहे कि पढ़ाई को कहा जाता है सोर्स ऑफ इनकम, तो इस पढ़ाई से कितनी श्रेष्ठ कमाई जमा कर रहे हैं। जो एक कदम में पदम की कमाई जमा हो रही है, दुनिया के अंदर किसी के पास कमाई हो तो भी करोड़ होंगी या अरब पति होंगे, लेकिन यहां तो हर कदम में पद्मों की कमाई है। तो इतना श्रेष्ठ भाग्य अनुभव कर रहे हो? बाबा कहे चलन और चेहरे में क्या वो सबको अनुभव होता है कि ये कितने न भाग्यवान है। कि किसी तरह बाबा कहे सतगुरु के रूप में बाबा ने श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ वरदान दिए हैं और सर्व प्राप्तियों से झोली भरी है। वरदानों की लिस्ट निकाले तो कितनी लंबी लिस्ट हो जाएगी।
परंतु बाबा कहे भाग्य विधाता स्वयं सतगुरु के रूप में बच्चों की पालना वरदानों से कर रहे हैं और सर्व प्राप्तियां न सिर्फ इस जन्म में लेकिन अनेक जन्मों के लिए इससे श्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव कराते हैं। तो बाबा कहे अपने भाग्य को देख करके सदा खुश रहते हो, अनुभव करो इतने श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हम हैं। और उसी नशे से बाबा कहे हर कर्म करते हुए चलते रहो। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। आज के मुरली का टाइटल है ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने सर्व बच्चों का श्रेष्ठ भाग्य देख हर्षित हो रहे हैं। भगवान को भी बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य को देखकर कितनी खुशी होती है। इतना श्रेष्ठ भाग्य और इतना सहज प्राप्त हो, ऐसा भाग्य सारे कल्प में सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के और किसी का भी नहीं है। सिर्फ आप ब्राह्मण आत्माएं इस भाग्य के अधिकारी हो। यह ब्राह्मण जन्म मिला ही है कल्प पहले के भाग्य अनुसार। बाबा कहे यह ब्राह्मण जन्म मिला ही है कल्प पहले के भाग्य अनुसार। जन्म ही श्रेष्ठ भाग्य के आधार पर है, क्योंकि ब्राह्मण जन्म स्वयं भगवान द्वारा होता है। स्वयं भगवान हमें जन्म देते हैं, तो इसीलिए बाबा कहे ब्राह्मण जन्म स्वयं भगवान द्वारा होता है। अनादि बाप शिव बाबा और आदि ब्रह्मा द्वारा यह अलौकिक जन्म प्राप्त हुआ है। परमात्मा बाप ने ब्रह्मा बाबा के माध्यम से यह अलौकिक जन्म दिया है। जो जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ है वह जन्म कितना भाग्यवान हुआ। जो जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ है वह जन्म कितना भाग्यवान हुआ। अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रख हर्षित रहते हो। सदा स्मृति प्रत्यक्ष स्वरूप में हो। बाबा कहे स्मृति भी प्रत्यक्ष स्वरूप में हो, सदा मन में इमर्ज करो, सिर्फ दिमाग में समाया हुआ है ऐसे नहीं, लेकिन हर चलन और चेहरे में स्मृति स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में स्वयं को अनुभव हो। चलन और चेहरे में वह स्मृति प्रत्यक्ष स्वरूप में इमर्ज रूप में रहे और ऐसा स्वयं को अनुभव करना है। दूसरों को भी दिखाई दे कि इन्हों की चलन में चेहरे में श्रेष्ठ भाग्य की लकीर स्पष्ट दिखाई देती है। कितने प्रकार के भाग्य प्राप्त है उसकी लिस्ट सदा मस्तक पर स्पष्ट हो, इमर्ज रूप में हो, सिर्फ डायरी में लिस्ट नहीं हो लेकिन मस्तक बीच भाग्य की लकीर चमकती हुई दिखाई दे। पहला भाग्य जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ है। ये सबसे पहला भाग्य ये जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ है। दूसरी बात, ऐसा किसी भी आत्मा व धर्मात्मा महान आत्मा का भाग्य नहीं जो स्वयं भगवान एक ही बाप भी हो, शिक्षक भी हो और सतगुरु भी हो। सारे कल्प में ऐसा कोई है? पूछते बाबा। एक ही द्वारा बाप के संबंध से वर्षा प्राप्त है, शिक्षक के रूप से श्रेष्ठ पढ़ाई और पद की प्राप्ति है, सतगुरु के रूप में महामंत्र
और वरदान की प्राप्ति है। वर्षे में सर्व खजानों का अधिकार प्राप्त किया है। बाप के रूप में वर्षे का अधिकार मिला तो बाबा कहे वर्षे में क्या मिला, सर्व खजानों का अधिकार प्राप्त किया है। सर्व खजाने है ना, कोई खजाने की कमी नहीं। पूछते हैं बाबा, कोई खजाने की कमी है? टीचर्स को कोई कमी है? मकान बड़ा होना चाहिए, जिज्ञासु अच्छे अच्छे होने चाहिए, ये कमी है? नहीं है। बहुत सुंदर बात यहाँ बाबा कहते हैं टीचर्स को, जितनी सेवा निर्विघ्न बढ़ती है तो सेवा के साथ सेवा के साधन सहज और स्वतः बढ़ते ही है। ये भी बाबा की परवरिश है। तो जितनी सेवा निर्विघ्न बढ़ती है तो सेवा के साथ सेवा के साधन सहज और स्वतः बढ़ते ही है। बाप द्वारा वर्षा और श्रेष्ठ पालना मिल रही है। बाप के रूप में श्रेष्ठ पालना और वर्षा मिल रही है। परमात्मा पालना कितनी ऊंची बात है, कोई साधारण बात थोड़ी है। भक्ति में गाते हैं परमात्मा पालनहार है, लेकिन आप भाग्यवान आत्माएं हर कदम परमात्मा पालना के द्वारा ही अनुभव करते हो। कैसे पालना हो रही है? बाबा कहे परमात्मा श्रीमत ही पालना है। जो बाबा की श्रीमत है उस श्रीमत पर जितना चलते जाते हैं उतनी हमारी श्रेष्ठ पालना होती जाती है। तो परमात्मा श्रीमत ही पालना है। बिना श्रीमत अर्थात परमात्मा पालना के एक कदम भी नहीं उठा सकते। ऐसी पालना सिर्फ अभी प्राप्त है, सतयुग में भी नहीं मिलेगी। वह देव आत्माओं की पालना है और अभी परमात्मा पालना में चल रहे हो। इतना अंतर हो गया, वह देव आत्माओं की पालना और यह परमात्मा पालना में चल रहे हो। अभी प्रत्यक्ष अनुभव से कह सकते हो, क्या कह सकते हो, कि हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, लेकिन हर ब्राह्मण आत्मा फलक से कहेगी कि हमारा पालनहार परम आत्मा है। इतना नशा है, पूछते बाबा, इतना नशा है कि कब मर्ज हो जाता है, कब इमर्ज होता है। जन्मते ही बेहद के खजानों से भरपूर हो, अविनाशी वर्षे का अधिकार ले लिया, साथ साथ जन्मते ही त्रिकालदर्शी सत शिक्षक ने तीनों कालों की पढ़ाई कितनी सहज विधि से पढ़ाई, कितनी श्रेष्ठ पढ़ाई है और पढ़ाने वाला भी इतना श्रेष्ठ है। लेकिन पढ़ाया किनों को है बाबा ने, पढ़ाया किनों को है? जिन्हों में दुनिया की उम्मीद नहीं उन्हों को उम्मीदवार बनाया। न सिर्फ पढ़ाया लेकिन पढ़ाई पढ़ने का लक्ष्य ही है ऊंचते ऊंच पद प्राप्त करना। खाली पढ़ाया नहीं लेकिन पढ़ाने के साथ साथ लक्ष्य भी दे दिया कि ऊंचते ऊंच पद प्राप्त करना। परमात्मा पढ़ाई से जो श्रेष्ठ पद प्राप्त कर रहे हो ऐसा पद सारे वर्ल्ड में ऊंचे ते ऊंचे पद के आगे कितना श्रेष्ठ है। दुनिया के पद के आगे भी जो लक्ष्य बाबा ने दिया वह कितना श्रेष्ठ है। तो ऐसा पद सारे वर्ल्ड के ऊंचे ते ऊंचे पद के आगे कितना श्रेष्ठ है। अनादि सृष्टि चक्र के अंदर द्वापर से लेकर अभी तक जो भी विनाशी पद प्राप्त हुए हैं उन्हों में सर्वश्रेष्ठ पद
पहले राज्य पद गया हुआ है, लेकिन आपके राज्य पद के आगे वह राज्य पद क्या है? द्वापर का राज्य पद भी क्या है? श्रेष्ठ है। आजकल का श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पद प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है। आज की दुनिया में बाबा कहे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पद या तो प्रेसिडेंट का है या प्राइम मिनिस्टर का है। बड़े ते बड़ी पढ़ाई द्वारा फिलोसोफर बनेंगे, चेयरमैन बनेंगे, डायरेक्टर आदि बन जाएंगे, बड़े ते बड़े ऑफिसर बन जाएंगे, लेकिन यह सब पद आपके आगे क्या है? कुछ भी नहीं। आपको एक जन्म में, जन्म जन्म के लिए श्रेष्ठ पद प्राप्त होने की परमात्मा गारंटी है। कितनी सुंदर बात कही, आपको एक जन्म में, जन्म जन्म के लिए श्रेष्ठ पद प्राप्त होने की परमात्मा गारंटी है। और उस एक जन्म की पढ़ाई द्वारा एक जन्म भी पद प्राप्त कराने की कोई गारंटी नहीं। दुनिया में कितनी भी ऊंची पढ़ाई पढ़े, लेकिन फिर भी वह एक जन्म के लिए भी कोई गारंटी नहीं देता कि ऊंचते ऊंच पद मिलेगा। आप कितने भाग्यवान हो जो पद भी सर्वश्रेष्ठ और एक जन्म की पढ़ाई और अनेक जन्म पद की प्राप्ति, तो भाग्य है ना? कितना बड़ा भाग्य है। चेहरे से दिखाई देता है, पूछते बाबा, चेहरे से दिखाई देता है, चलन से दिखाई देता है, क्योंकि चाल से मनुष्य के हाल का पता लगता है। बहुत सुंदर बात बाबा ने कह दी, चाल से मनुष्य के हाल का पता लगता है। ऐसी चाल है जो आपके इतने श्रेष्ठ भाग्य का हाल दिखाई देवे, या अभी साधारण लगते हो, क्या है? साधारणता में महानता दिखाई दे। भले साधारण है, लेकिन साधारणता में महानता दिखाई दे। बहुत सुंदर बात आगे बाबा ने कही, जब आपके जड़ चित्र अभी तक महानता का अनुभव कराते हैं, अब भी कैसी भी आत्मा को लक्ष्मी नारायण व सीता राम व देवियां बना देते हैं। दुनिया में लोग जब कोई झांकी करते हैं या कोई ड्रामा करते हैं, तो कैसी भी आत्मा को लक्ष्मी नारायण व सीताराम व देवियां बना देते हैं, तो साधारण व्यक्ति में भी महानता का अनुभव कर सिर झुकाते हैं ना। दुनिया के लोग उन आत्माओं के आगे भी, उसमें भी महानता का अनुभव करते हुए सिर झुकाते हैं। जानते भी है कि यह वास्तव में नारायण व राम आदि नहीं है, बनावटी है, फिर भी उस समय महानता को सिर झुकाते हैं, उस पद की महानता को सिर झुकाते हैं, नमन पूजन करते हैं। लेकिन आप तो स्वयं, वो तो बनावटी है, लेकिन बाबा कहे आप तो स्वयं चैतन्य देव देवियों की आत्माएं हो। आप चैतन्य आत्माओं से कितनी महानता की अनुभूति होनी चाहिए? होती है, पूछते बाबा, ऐसी अनुभूति लोगों को होती है? आपके श्रेष्ठ भाग्य को मन से नमस्कार करें, हाथ व सिर से नहीं। दुनिया की आत्माएं मन से नमस्कार करें, हाथ व सिर से नहीं, लेकिन मन से आपके भाग्य का अनुभव कर स्वयं भी खुशी में नाचे। इतनी श्रेष्ठ पढ़ाई की प्राप्ति श्रेष्ठ भाग्य है। हाँ, तो इतनी श्रेष्ठ पढ़ाई और इतना श्रेष्ठ पद, जो हर कोई मन से नमस्कार करे, हाथ पैर से नहीं, मन से आपके भाग्य का अनुभव कर स्वयं भी खुशी में नाचे। लोग पढ़ाई पढ़ते ही है,
इस जीवन के शरीर निर्वाह अर्थ कमाई के लिए। तो पढ़ाई पद और अभी पढ़ाई से सोर्स ऑफ इनकम। तो बाबा कहे लोग पढ़ाई पढ़ते ही हैं इस जीवन के शरीर निर्वाह अर्थ कमाई के लिए, जिसको सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। आपकी पढ़ाई द्वारा सोर्स ऑफ इनकम कितना है? माला माल हो ना, आपकी इनकम का हिसाब क्या है? उनका हिसाब होगा लाखों में, करोड़ों में, लेकिन आपका हिसाब क्या है? आपकी कितनी इनकम है? कदम में पदम, हर कदम में पदम इतनी कमाई है। तो सारे दिन में कितने कदम उठाते हो और कितने पदम जमा करते हो? कितना नशा बाबा चढ़ा देते हैं कि एक एक कदम में कितने पदम जमा करते हो। इतनी कमाई और किसकी है? इतना बड़ा भाग्य है आपका। तो ऐसे अपनी पढ़ाई के भाग्य को इमर्ज रूप में अनुभव करो। ऐसी अपनी पढ़ाई के भाग्य को क्या करो? इमर्ज रूप में अनुभव करो। फिर बाबा कहे किसी से पूछते हैं तो कहते हैं, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी तो है, बन तो गए हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी अर्थात श्रेष्ठ भाग्य की लकीर मस्तक में चमकती दिखाई दे। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा कुमार व कुमारी तो है लेकिन मिल जाएगा, कुछ तो बन ही जाएंगे, चल तो रहे ही है, बन तो गए ही है, बन गए हैं या भाग्य को देख करके उड़ रहे हैं। इसमें बन तो गए हैं, बन ही रहे हैं, चल ही रहे हैं, ये बोल किसके हैं? बाबा पूछते ये बोल क्या भाग्यवान आत्मा के हैं? ये बोल किसके हैं? श्रेष्ठ भाग्यवान के ये बोल है। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी अर्थात मौज से मोहब्बत की जीवन बिताने वाले। ऐसे नहीं कि कभी मजबूरी कभी मोहब्बत। जब कोई समस्या आती है तो क्या कहते हो? चाहते नहीं हैं लेकिन मजबूर हो गए हैं। भाग्यवान अर्थात मजबूरी खत्म, मोहब्बत से चलने वाले। हाँ, भाग्यवान किसको कहेंगे? मजबूरी से चलने वाले को नहीं। तो बाबा कहे भाग्यवान अर्थात मजबूरी खत्म, मोहब्बत से चलने वाले। चाहते तो है लेकिन ऐसी भाषा भाग्यवान ब्राह्मण आत्माओं की नहीं है। भाग्यवान आत्माएं मोहब्बत के झूले में मौज में उड़ती है। भाग्यवान आत्माएं मोहब्बत के झूले में मौज में उड़ती है, उड़ती कला की मौज में रहती है। मजबूरी उनके आगे आ नहीं सकती, समझा? अपना श्रेष्ठ भाग्य मर्ज नहीं रखो, इमर्ज करो। और तीसरी बात, सतगुरु द्वारा क्या भाग्य प्राप्त हुआ? पहले तो महामंत्र मिला। सतगुरु का महामंत्र मिल क्या मिला? पूछते बाबा, सतगुरु का महामंत्र क्या मिला? पवित्र बनो, योगी बनो, यही महामंत्र है। जन्मते ही यह महामंत्र सतगुरु द्वारा प्राप्त हुआ और यही महामंत्र सर्व प्राप्तियों की चाबी सर्व बच्चों को मिली। योगी जीवन, पवित्र जीवन ही सर्व प्राप्तियों का आधार है, इसलिए यह चाबी है। पवित्र जीवन, योगी जीवन या योगी बनो, पवित्र बनो, ये बाबा कहे सर्व प्राप्तियों का आधार है, ये चाबी है। अगर पवित्रता नहीं, योगी जीवन नहीं, तो अधिकारी होते हुए भी
अधिकार की अनुभूति नहीं कर सकेंगे। इसलिए ये महामंत्र सर्व खजानों के अनुभूति की चाबी है। ऐसी चाबी का महामंत्र सतगुरु द्वारा सभी को श्रेष्ठ भाग्य में मिला है। ऐसी चाबी का महामंत्र सतगुरु द्वारा सभी को श्रेष्ठ भाग्य में मिला है और साथ साथ सतगुरु द्वारा वरदान प्राप्त हुए हैं। वरदानों की लिस्ट तो बहुत लंबी है ना। कितने वरदान मिले हैं, इतने वरदानों का भाग्य प्राप्त है जो वरदानों से ही सारी ब्राह्मण जीवन बिता रहे हो और बिता सकते हो। कितने वरदान है लिस्ट का मालूम है? तो वर्षा भी है, पढ़ाई भी है, महामंत्र की चाबी और वरदानों की खान भी है। तो कितने भाग्यवान हो? या छिपा कर रखा है, आगे चल अंत में खोलेंगे। बहुत काल से भाग्य की अनुभूति करने वाले अंत में भी पद्मा पदम भाग्यवान प्रत्यक्ष होंगे। बहुत सुंदर बात यहां बाबा ने समझाई है कि जो बहुत काल से भाग्य की अनुभूति करने वाले वही अंत में भी पद्मा पदम भाग्यवान प्रत्यक्ष होंगे। अब नहीं तो अंत में भी नहीं, अभी है तो अंत में भी है। ऐसे कभी नहीं सोचना कि संपूर्ण तो अंत में बनना है। और एक सुंदर बात बाबा ने कही, संपूर्णता की जीवन का अनुभव अभी से आरंभ होगा, तब अंत में प्रत्यक्ष रूप में आएंगे। अभी से संपूर्णता की जीवन का अनुभव करना है तो बाबा कहे अंत में प्रत्यक्ष रूप में आएंगे। अभी स्वयं को अनुभव हो, औरों को अनुभव हो, जो समीप संपर्क में आए हैं उन्हों को अनुभव हो और अंत में विश्व में प्रत्यक्ष होगा। समझा? बाप दादा आज सर्व बच्चों के भाग्य की श्रेष्ठ लकीर को देख रहे थे। जितना बाप ने भाग्य देखा उतना ही बच्चे सदा अनुभव कम करते हैं। भाग्य की खान सभी को प्राप्त है। बाबा ने भाग्य की खान ही बच्चों को दे दिया, तो भाग्य की खान सभी को प्राप्त है, लेकिन कोई को कार्य में लगाना आता है और कोई को कार्य में लगाना नहीं आता है। जितना लगा सकते उतना नहीं लगाते हैं। मिला सबको एक जैसा है, लेकिन खजाने को कार्य में लगाकर बाप का खजाना सो अपना खजाना अनुभव करना इसमें नंबरवार है। इसलिए नंबरवार हो जाते कि बाप का खजाना सो अपना खजाना अनुभव करना इसमें नंबरवार है। बाप ने नंबरवार नहीं दिया, दिया सबको नंबर वन है, लेकिन कार्य में लगाना इसमें अपने आप नंबर बना दिए हैं। समझा? नंबर क्यों बने हैं? जितना यूज करेंगे कार्य में लगाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। मर्ज करके रख देंगे तो बढ़ेगा नहीं और स्वयं भी अनुभव नहीं करेंगे तो दूसरों को भी अनुभव नहीं करा सकेंगे। इसलिए चलन और चेहरे में लाओ। ये भाग्य का अनुभव चलन और चेहरे में लाओ। समझा क्या करना है? जो भी नंबर आवे अच्छा है। चलो 108 नहीं तो 16,000 में ही मिल जाए, कुछ तो बनेंगे। लेकिन 16,000 की माला सदा नहीं जपी जाती है। कहां कहां और कभी कभी जपते हैं। 108 की माला तो सदा जपते रहते हैं। अब मैं कौन ये स्वयं जानो। बाबा कहे अब मैं कौन ये स्वयं जानो। अगर बाप कहेंगे व और कोई कहेंगे
कि आप तो 16,000 में आएंगे तो क्या कहेंगे, मानेंगे? क्वेश्चन मार्क शुरू हो जाएंगे। इसलिए अपने आप को जानो, मैं कौन? अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को सर्व जन्म से प्राप्त परमात्म जन्म अधिकारी आत्माओं को सर्व बाप द्वारा श्रेष्ठ वर्षा और परमात्मा पालना लेने वाले सत शिक्षक द्वारा श्रेष्ठ पढ़ाई का श्रेष्ठ पद और श्रेष्ठ कमाई करने वाले सतगुरु द्वारा महामंत्र और सर्व वरदान प्राप्त करने वाले ऐसे अति श्रेष्ठ पद्मा पदम हर कदम में पदम जमा करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। फिर अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात है। यथार्थ सेवा व यथार्थ याद की निशानी है, यथार्थ सेवा व यथार्थ याद की निशानी है निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना। सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य के गीत स्वतः ही मन में बजते रहते हैं। यह अनादि अविनाशी गीत है, इसको बजाना नहीं पड़ता लेकिन स्वतः ही बजता है। सदा यह गीत बजना अर्थात सदा ही अपने खुशी के खजाने को अनुभव करना। सदा खुश रहते हो, ब्राह्मणों का काम ही है खुश रहना और खुशी बांटना। इसी सेवा में सदा बिजी रहते हो, पूछते बाबा इसी सेवा में सदा बिजी रहते हो व कभी भूल भी जाते हो, जब माया आती है फिर क्या करते हो? जितना समय माया रहती है उतना समय खुशी के गीत बंद हो जाते हैं। बाप का सदा साथ है तो माया आ नहीं सकती। माया के आने के पहले बाप का साथ अलग करके अकेला बनाती है, फिर वार करती है। अगर बाप साथ है तो माया नमस्कार करेगी, वार नहीं करेगी। तो माया को जब अच्छी तरह से जान गए हो कि ये दुश्मन है तो फिर आने क्यों देते हो? साथ छोड़ देते हो ना, बाबा का साथ छोड़ देते हो ना, इसलिए माया को आने का दरवाजा मिल जाता है। दरवाजे को डबल लॉक लगाओ, एक लॉक नहीं। आजकल एक लॉक नहीं चलता तो डबल लॉक है। कौन सा डबल लॉक? याद और सेवा। सेवा भी निस्वार्थ सेवा, यही लॉक है। अगर निस्वार्थ सेवा नहीं तो वह लॉक ढीला लॉक हो जाता है, खुल जाता है। याद भी शक्तिशाली चाहिए, साधारण याद है तो भी लॉक नहीं कहेंगे। तो सदा चेक करो, याद तो है लेकिन साधारण याद है या शक्तिशाली याद है। ऐसे ही सेवा करते हो लेकिन निस्वार्थ सेवा है या कुछ न कुछ स्वार्थ भरा है? सेवा करते हुए भी, याद में रहते हुए भी यदि माया आती है तो जरूर सेवा अथवा याद में कोई कमी है, सेवा अथवा याद में कोई कमी है। सदा खुशी के गीत गाने वाली श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हैं। इस स्मृति से आगे बढ़ो। यथार्थ योग व यथार्थ सेवा यह निशानी है निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना। निर्विघ्न हो या कभी कभी विघ्न आता है, फिर कभी पास हो जाते हो
कभी थोड़ा फेल हो जाते हो। कोई भी बात आती है उसमें अगर किसी भी प्रकार की जरा भी फीलिंग आती है, या क्यों या क्या, तो फीलिंग आना माना विघ्न। सदैव यह सोचो कि व्यर्थ फीलिंग से परे फीलिंग प्रूफ आत्मा बन जाए तो माया जीत बन जाएंगे। फिर भी देखो बाप के बन गए, बाप का बनना यह कितनी खुशी की बात है, बाप का बनना यह कितनी खुशी की बात है। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा कि भगवान के इतने समीप संबंध में आएंगे, लेकिन साकार में बन गए तो क्या याद रखेंगे। सदा खुशी के गीत गाने वाले, ये खुशी के गीत कभी भी समाप्त नहीं हो सकते हैं। टीचर्स का अर्थ ही है अपने फीचर्स से सबको फरिश्ते के फीचर्स अनुभव कराने वाली। ऐसे टीचर्स को बाबा टीचर्स को कहे, टीचर्स का अर्थ ही है अपने फीचर्स से सबको फरिश्ते के फीचर्स अनुभव कराने वाली। साधारण रूप नहीं दिखाई दे, सदा फरिश्ता रूप दिखाई दे, क्योंकि टीचर्स निमित्त हो ना, तो जो निमित्त बनते हैं वो जो स्वयं अनुभव करते हैं वो औरों को कराते हैं। यह भी भाग्य है जो निमित्त बने हो। अभी इसी भाग्य को स्वयं अनुभव में बढ़ाओ और दूसरों को अनुभव कराओ। सबसे विशेष बात अनुभवी मूरत बनो, सबसे विशेष बात अनुभवी मूरत बनो। अच्छा, आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, जिम्मेवारी की स्मृति द्वारा सदा अलर्ट रहने वाले शुभ भावना शुभ कामना संपन्न भव। जिम्मेवारी की स्मृति द्वारा सदा अलर्ट रहने वाले शुभ भावना शुभ कामना संपन्न भव। आप बच्चे प्रकृति और मनुष्य आत्मा की वृत्ति को परिवर्तन करने के जिम्मेवार हो, लेकिन यह जिम्मेवारी तब ही निभा सकेंगे जब आपकी वृत्ति शुभ भावना शुभ कामना से संपन्न सतो प्रधान और शक्तिशाली होगी। जिम्मेवारी की स्मृति सदा अलर्ट बना देंगी। हर आत्मा को मुक्ति जीवन मुक्ति दिलाना, वर्षे के अधिकारी बनाना, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इसलिए कभी अलबेलापन न आए, वृत्ति साधारण न हो। आज का स्लोगन है, अपने हर कर्म द्वारा सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष करो तो अनेक आत्माओं को किनारा मिल जाएगा। अपने हर कर्म द्वारा सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष करो तो अनेक आत्माओं को किनारा मिल जाएगा। Achha, Om Shanti. Click here to like, subscribe, and press the bell icon to stay updated with our latest videos.